जय माता दी। वैष्णो देवी से जुड़ी हर लेटेस्ट जानकारी जानने के लिए सब्सक्राइब करें डिवोशनल पॉइंट और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। जय माता दी। डिवोशनल पॉइंट आप भक्तों का एक बार फिर से नई और ताजी वीडियो में हार्दिक स्वागत करता है। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर सालाना करोड़ों भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। माता रानी की पवित्र यात्रा 13.5 किलोमीटर लंबी यात्रा है और यात्रा पर समय समय पर बारिश, आंधी तूफान से लेकर बर्फबारी तक भी भक्तों को देखने के लिए मिलती है। साथ ही कभी कभी तो ऐसा होता है कि यात्रा पर पैर रखने तक की जगह नहीं होती है। भक्तों की लाखों में संख्या भवन पर यात्रा पर देखी जाती है। ऐसे में श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर आने वाले भक्तों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है कि यात्रा पर आने के बाद उन्हें कितनी ज्यादा भीड़ मिलेगी, दर्शन में कितना ज्यादा समय लगेगा, आपको मौसम कैसा मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो ऐसी सभी जानकारी जानने के बाद आप अपनी यात्रा को न सिर्फ सफल बना पाएंगे, साथ ही यात्रा पर होने वाली कठिनाइयों से भी आप बच पाएंगे। ऐसे में हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस महीने में सबसे कम भीड़ होती है, किस महीने में सबसे ज्यादा भीड़ भक्तों को मिलेगी, किस महीने में भक्तों को स्नोफॉल देखने के लिए मिल सकती है, किस महीने में भक्तों को सबसे ज्यादा बारिश देखने के लिए मिलती है। वहीं हम बात करेंगे कि माता रानी की पवित्र भवन पर प्राचीन गुफा, प्राकृतिक गुफा भक्तों के लिए किस महीने में खोली जाती है। वहीं वीडियो के अंत में हम ये भी बात करेंगे कि सबसे अच्छा समय आप भक्तों के लिए क्या रहेगा जब आपको यात्रा पर आना चाहिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, मैं आप भक्तों को संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप भक्त वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप संपूर्ण जानकारी जान पाएंगे। तो इसलिए मेरा आप भक्तों से हाथ जोड़कर अनुरोध रहेगा कि वीडियो को अंत तक देखना ना भूले। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे, बात करते हैं कि अगर आप भक्त जनवरी महीने में आते हैं तो आप भक्तों को भीड़ कैसी मिलेगी, दर्शन करने में कितना समय लगेगा, मौसम कैसा होगा। तो सबसे पहले आप भक्तों बता देना चाहता हूँ, अगर आप पहले हफ्ते में आते हैं जनवरी के, तो आप भक्तों को काफी ज्यादा भीड़ मिलने वाली है। लगभग प्रतिदिन 50,000 से 80,000 भक्त यात्रा पर देखने को मिलते हैं। यही बड़ी वजह है कि पहले हफ्ते में दर्शन करने में भक्तों को लगभग 4 से 5 घंटे 6 घंटे तक भी लग जाते हैं। पर अगर आप बाकी के 3 हफ्तों में आते हैं जनवरी महीने के, तो ऐसे में भीड़ भी काफी ज्यादा कम होती है और कम से कम आप भक्तों को दर्शन करने में 1 घंटा या 2 घंटा ही लगता है। कभी कभी तो दर्शन करने में आपको मात्र 10 से 15 मिनट ही लगती हैं अगर आप बाकी के 3 हफ्ते में आते हैं, यानी कि आखिरी के 3 हफ्ते में आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि मौसम कैसा होगा जनवरी महीने में। तो जनवरी में आप भक्तों को बहुत ज्यादा स्नोफॉल मिलने वाली है, साथ ही टेम्परेचर रात को और सुबह माइनस में रहता है। यानी कि श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर अगर आप जनवरी महीने में सोच रहे हैं आने का, तो 0 से भी कम आपको तापमान देखने के लिए मिलेगा। वहीं अब हम बात करते हैं कि जनवरी महीने में आने वाले भक्तों को सबसे बड़ी सुविधा, सबसे बड़ा लाभ क्या मिलता है। 14 जनवरी के बाद जो भी भक्त आते हैं, उन भक्तों को प्राचीन गुफा से, पुरानी गुफा से दर्शन होते हैं जो कि भवन पर ही स्थित है। ये गुफा मात्र 1.5 से 2 महीने के लिए खुलती है और 14 जनवरी ऐसा दिन होता है जब पहली बार ये गुफा भक्तों के लिए खोली जाती है। अगर प्रतिदिन भक्तों की संख्या 10,000 या फिर उससे कम बनी रहती है, तो ऐसे में श्राइन बोर्ड गुफा को भक्तों के लिए खोल देता है। और माता रानी की ये पवित्र गुफा होली के दिन ही बंद होती है, यानी कि हर साल 14 जनवरी को ओपन होती है ये गुफा और होली के दिन बंद होती है। ऐसे में जो भक्त जनवरी महीने में आ रहे हैं, ना सिर्फ वो स्नोफॉल का लुत्फ उठा सकते हैं माता रानी के पवित्र दर्शन के साथ में, साथ ही पवित्र गुफा से भक्त दर्शन करने का भी अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अगर आप भक्तों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और ये भी बताना ना भूले कमेंट में कि आप किस महीने में यात्रा करना पसंद करते हैं और उसका क्या कारण है। देखते हैं आप भक्त सबसे ज्यादा किस महीने में दर्शन करना चाहते हैं या फिर यात्रा करना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सभी भक्त कमेंट में जय माता दी कीजिए। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे, बात करते हैं फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं फरवरी महीने को लेकर। फरवरी में लगभग 10 से 15 हजार भक्त प्रतिदिन ही आते हैं भवन पर, तो कोई भी लाइन देखने के लिए नहीं मिलती है दर्शन की। और वहीं अर्धकुंवारी मंदिर परिसर में भी अगर आप गुफा में दर्शन करना चाहते हैं, मात्र 1 से 2 घंटे में ही आपका नंबर आ जाता है, इतनी कम भीड़ होती है माता रानी की पवित्र यात्रा पर। अगर हम तापमान की बात करें, मौसम की बात करें, तो बहुत कम तापमान होता है, बहुत ज्यादा ठंड होती है, स्नोफॉल यानी कि बर्फबारी आपको देखने के लिए मिलती है। वहीं सबसे बड़ा एडवांटेज भक्तों के लिए यही होता है कि पुरानी गुफा के भी दर्शन आप भक्तों को फरवरी में हो जाते हैं। अगर मार्च महीने की बात करें, तो 8,000 से 15,000 भक्त पहले से तीसरे हफ्ते तक देखने के लिए मिलते हैं और कोई भी लाइन हमें देखने के लिए नहीं मिलती है। सबसे बड़ा कारण इतने कम भक्तों का होना यह भी है कि उस समय बच्चों के एग्जाम होते हैं, यही बड़ा कारण है कि कम भीड़ देखने को मिलती है और आपको उस समय कोई स्नोफॉल यात्रा पर देखने के लिए नहीं मिलती है। हालांकि ठंड फिर भी बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है, लगभग तापमान रात को 2 से 3 डिग्री 4 डिग्री तक
देखने के लिए मिल जाता है और पुरानी गुफा होली तक खुली रहती है मार्च में। वहीं अगर हम आखिरी हफ्ते की बात करें उस समय माता रानी की पवित्र यात्रा पर कभी कभार ऐसा होता है कि नवरात्रे ही होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 2023 में 22 मार्च से ही नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। यही बड़ा कारण है कि नवरात्रे के समय बहुत ज्यादा भीड़ मिलेगी, प्रतिदिन 60,000 70,000 80,000 तक भक्तों की संख्या देखने के लिए मिलती है और दर्शन करने में आपको 6 घंटे 8 घंटे तक भी लग जाते हैं। तो आप आखिरी हफ्ता अवॉइड कर सकते हैं अगर आप कम भीड़ में दर्शन करना चाहते हैं। जो तापमान है काफी हद तक नॉर्मल ही देखने के लिए मिलता है, उस समय तक आपको बहुत ज्यादा ठंड तो नहीं देखने के लिए मिलती है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। वहीं अप्रैल महीने में भी ध्यान रखना है कि पहले हफ्ते में देखा जाता है कि नवरात्रे बढ़ जाते हैं। अगर ऐसे में नवरात्रे होते हैं तो आप भक्तों को बहुत भीड़ मिलेगी और दर्शन करने में वही स्वाभाविक 6 से 8 घंटे तक देखने के लिए लग सकते हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। वहीं अर्धकुंवारी मंदिर परिसर में आप भक्तों को अप्रैल में लगभग दर्शन करने में 1 से 1.5 दिन तक का समय लग सकता है। जो तापमान है काफी ज्यादा नॉर्मल होता है और उस समय कोई भी पुरानी गुफा के आप भक्तों को दर्शन नहीं होते हैं। अगर आप भक्तों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को बाकी भक्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे कि सभी भक्त यात्रा पर आने से पहले ही जागरूक हो सकें, अपनी यात्रा को सफल बना सकें, सुरक्षित बना सकें और माता रानी के सभी भक्त यात्रा संपूर्ण कर सकें। साथ ही सभी भक्त कमेंट में जय माता दी लिखना भी ना भूलें। वहीं अगर आप भक्त मई जून जुलाई महीने में श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर आ रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ये तीनों ही महीने ऐसे होते हैं जब सबसे ज्यादा क्राउड माता रानी की पवित्र यात्रा पर देखा जाता है। यात्रा पर प्रतिदिन 50-60 हजार भक्तों की संख्या देखी जाती है। वहीं ये संख्या कटरा में प्रतिदिन 1 लाख तक को पार कर जाती है। भवन पर दर्शन करने के लिए 6 से 10 घंटे 8 घंटे तक भी लग जाते हैं। अर्धकुंवारी मंदिर परिसर में या फिर गुफा में दर्शन करने के लिए ये समय सीमा लगभग 1.5 दिन या 2.5 दिन तक भी देखी जाती है। जो तापमान है काफी हद तक नॉर्मल होता है, हालांकि पहाड़ों में एक चीज को ध्यान रखते हुए आपको आना चाहिए कि तापमान रात में हमेशा कम ही मिलेगा, तो खासकर कि बच्चों के लिए और बड़े बुजुर्गों के लिए आपको थोड़े से ठंड के कपड़े जरूर रख कर लाने हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। हालांकि जुलाई महीने में आपको बारिश देखने के लिए जरूर मिलती है, तो ये तीनों महीने ही ऐसे हैं सबसे ज्यादा आपको भीड़ देखने के लिए मिलती है। कारण उसका यह है कि उस समय बच्चों की छुट्टियां बढ़ जाती हैं और सभी भक्त माता रानी की पवित्र यात्रा करने के लिए कटरा पहुंच जाते हैं। अगर आप भक्तों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को बाकी भक्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे कि सभी भक्त यात्रा पर आने से पहले ही जागरूक हो सकें, अपनी यात्रा को सफल बना सकें, सुरक्षित बना सकें और माता रानी के सभी भक्त यात्रा संपूर्ण कर सकें। साथ ही सभी भक्त कमेंट में जय माता दी लिखना भी ना भूलें। वहीं अब हम बात करते हैं अगस्त और सितंबर महीने के बारे में। अगस्त और सितंबर महीने में आपको सबसे ज्यादा बारिश देखने के लिए मिलती है। जो तापमान है वो काफी हद तक नॉर्मल बना रहता है, हालांकि जब बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है तो ऐसे में आपको ठंड भी देखने के लिए मिलती है और ये दोनों महीने ऐसे होते हैं ऐसे में आपको ओले तक देखने के लिए मिल जाते हैं। आपको रेनकोट अपने साथ ले जाना है, थोड़े से ठंड के कपड़े लेकर जाने हैं। ध्यान रहे 12 के 12 महीने बच्चों के लिए और बड़े बुजुर्गों के लिए श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर ठंड बनी रहती है। ये सोचकर कतई भी ना चले जाएं कि आप भक्तों को यात्रा पर ठंड नहीं मिलेगी। सुबह और रात में 12 के 12 महीने आप भक्तों को इतनी ठंड मिलेगी जिसमें कहीं ना कहीं बच्चे बीमार हो सकते हैं या बड़े बुजुर्गों को दिक्कत आ सकती है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं अगस्त सितंबर महीने की। 25 से 35 हजार तक भक्त प्रतिदिन आते हैं और लगभग दर्शन करने में 2 से 3 घंटे भवन पर लगते हैं। अर्धकुंवारी मंदिर परिसर में ये समय सीमा लगभग 1.5 से 2 दिन की होती है। अक्टूबर नवंबर महीने की बात करें तो 25 से 35 हजार भक्त प्रतिदिन आते हैं अक्टूबर में, वही 2 से 3 घंटे दर्शन करने में लगते हैं। क्राउड काफी हद तक नॉर्मल ही होता है और वेदर भी नॉर्मल ही होता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करें नवंबर महीने की तो लगभग 20 से 30 हजार भक्त प्रतिदिन आते हैं, 2 से 3 घंटे दर्शन करने में लगते हैं। अर्धकुंवारी मंदिर परिसर में ये समय सीमा लगभग 1.5 से 2 दिन तक की देखी जाती है। क्राउड काफी तक नॉर्मल होता है, हालांकि नवंबर में ठंड पड़ना शुरू हो जाती है, तो उस समय अगर आप आ रहे हैं नवंबर महीने में तो आपको ठंड के कपड़े अच्छे से लेकर आने होंगे। वहीं दिसंबर महीने में सबसे ज्यादा संख्या देखी जाती है भक्तों की, जैसे कि मई जून जुलाई महीने में देखी जाती है, ठीक वैसी ही भक्तों की संख्या दिसंबर महीने में भी देखने के लिए मिलती है। खासकर कि दिसंबर का आखिरी हफ्ता जब श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर
ज्यादातर भक्त दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं। माता रानी के दर्शन के साथ ही अपना नया साल शुरू करना भी चाहते हैं। यही बड़ा कारण है कि दिसंबर में 50,000 भक्त प्रतिदिन, 80,000 भक्त प्रतिदिन भी यात्रा पर देखे जाते हैं। वहीं कटरा में ये संख्या 1,00,000 तक को पार कर जाती है। भवन पर दर्शन करने के लिए भक्तों को 6-6, 8-8 घंटे तक लग जाते हैं। वहीं अगर अर्धकुंवारी मंदिर की बात करें, गुफा की बात करें, तो वहां पर ये समय सीमा 2-2.5 दिन, 3 दिन तक की देखी जाती है। मतलब अगर आप भक्तों को सबसे ज्यादा भीड़ देखने के लिए मिलेगी तो मई, जून, जुलाई महीने में, साथ ही दिसंबर महीने में देखने के लिए मिलेगी। और सबसे कम भीड़ आप भक्तों को जनवरी के दूसरे हफ्ते से लेकर मार्च में ही देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद लगभग माता रानी की पवित्र यात्रा पर डेली के डेली आप भक्तों को भीड़ ही देखने के लिए मिलने वाली है। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये रिकॉर्ड और भी ज्यादा टूट सकता है। अब वीडियो के आखिर में बात कर लेते हैं कि कब मैं आप भक्तों को रिकमेंड करना चाहूंगा, सलाह देना चाहूंगा कि आप भक्तों को यात्रा पर आने का मन बनाना चाहिए या फिर यात्रा करनी चाहिए। मेरा मानना है कि आप भक्त अगर ठंड में आ सकते हैं तो कहीं ना कहीं जनवरी से लेकर फरवरी के बीच में आप भक्तों को आना चाहिए। और अगर आप भक्त ठंड में नहीं आना चाहते हैं तो आप भक्तों को मार्च महीने में आना चाहिए। ये तीनों ही महीने ऐसे हैं कि आप भक्तों को सिर्फ दर्शन भी मिनटों में हो जाएंगे, साथ ही आपको पुरानी गुफा से दर्शन भी होंगे और आप भक्तों को भीड़ भी ना के बराबर मिलेगी। अगर आप भवन पर या फिर अर्धकुंवारी मंदिर परिसर में भी आप दर्शन करना चाहेंगे तो आपको दर्शन हो जाएंगे, रुकने की व्यवस्था भी काफी अच्छी मिल जाएगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। उम्मीद करता हूं कि आप भक्तों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप भक्तों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है इस वीडियो में तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अपना सहयोग दिखाना ना भूले। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी प्रत्येक जानकारी आप भक्तों को चैनल पर यूं ही मिलती रहेगी। अगर आप चाहते हैं रोजाना ताजा तस्वीरें और पिंडी रूपी दर्शन प्राप्त करना तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, साथ ही आपकी स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।